आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ कार्यालय पर एक अहम बैठक रखी, जिसमें तमाम सहयोगी दल के बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और पल्लवी पटेल सहित आरएलडी नेता राजपाल बालियान को भी न्योता भेजा गया। दो दिन का जो कार्यक्रम रहा है विधानसभा में, ये पहला तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। आज 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था और चुनाव के बाद सभी लोगों ने उनको अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है और उसके बाद कार्यक्रम सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आप लोगों को चिंता बहुत सता रही थी कि बैठक क्यों नहीं हो रही है, डेट क्यों टल रहा है। इस नाते हुआ कि चलो भाई अब बैठक कर लिया जाए ताकि सबकी चिंता भी दूर हो जाए। जो हम लोगों के देखिए पुराने मुद्दे हैं, जो हम लोग चाहते हैं प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, हम लोग प्रदेश में चाहते हैं गरीबों का इलाज फ्री में, हम लोग प्रदेश में चाहते हैं आवारा पशु से निजात दिलाना, हम लोग चाहते हैं जो हमारा गठबंधन है, हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश में जातिवार जनगणना, हम लोग चाहते हैं प्रदेश में पत्रकार आयोग का गठन हो, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे फोटोग्राफर साथी हैं इनका दुर्घटना बीमा पहले हो। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सदन में लड़ेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले प्रदेश में, प्रदेश में जो बेरोजगारी है ये कैसे कम हो, प्रदेश में महंगाई चरम पे हो रही है, डेली पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, जो आशंका चुनाव के पहले हम लोग जता रहे थे वही हो रहा है। अब ये बात ना बोली जाए कि महंगाई बढ़ रही है तो ये काम तो ओम प्रकाश राजभर नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश विपक्ष के आज एक मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में वो तमाम सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के मौजूद होंगे। चाहे बात की जाए तो आरएलडी से विधायक दल के नेता राजपाल बलियान भी यहाँ मौजूद होंगे, साथ ही साथ जो सुहलदेव समाज पार्टी है उसके सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर की आने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए अपना दल के से तो पल्लवी पटेल भी आज इस बैठक में मौजूद होंगी। और आपको बता दें कि वहीं जो बसपा प्रमुख हैं शिवपाल यादव, उनके आने पे भी अभी भी संशय बनी हुई है। वहीं इस बैठक में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, साथ ही साथ आगे की रणनीति पे चर्चा की जाएगी। कैमरामैन शुभम के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने होली मिलन समारोह का आयोजन जीएस कॉलेज में किया। इस मौके पर बीकापुर विकास खंड के करीब सैकड़ों ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्यों, बीजेपी समर्थित विधान परिषद डॉक्टर हरिओम पांडे को जिताने का संकल्प लिया गया। साथ ही स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अमल की भी बधाई दी गई। के पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विधानसभा के चुनाव के परिणाम ने यह बता दिया है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर कि भारतीय जनता पार्टी के जो 5 वर्ष के सुशासन के काम रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के, उस पर जनता ने मोहर लगा दी है। पंचायत प्रतिनिधियों की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया है और 2/3 वोटर इसमें पंचायत के प्रतिनिधि हैं। प्रधान और बीडीसी का गौरव बढ़ाने का काम विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री जी ने किया था। 75 रामनगरी अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वैसे दानदाता भी दिल खोलकर अनमोल चीजें चढ़ा रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश से आए हुए एक राम भक्त ने रामलला को 12 किलो के चरण पादुका और चांदी जड़ित चौकी भेंट की है। बता दें कि चांदी की चौकी पर नवरात्र में राम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर में कलश स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूजा विराजमान रामलला के सामने होती है। 9 दिनों तक गर्भगृह में अनुष्ठान भी चलता है, जो कि रामनवमी तक जारी रहता है। बाबूलाल महाजन मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने भगवान की चांदी की खड़ाऊवर से और चांदी मणित ये जो है चौकी दिया है और उसके साथ में पर्दे हैं, वस्त्र हैं और थोड़ा फल ये फूल ड्राई फ्रूट वगैरह है, भोग के लिए भगवान के दिया है।
की मार से जनता बेहाल हो गई है। 22 मार्च से तेल की कीमतों में इजाफा जो है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 8 दिनों में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपना बयान जारी किया है। आप भी सुनिए ओम प्रकाश राजभर का ये बयान। कि नौजवानों को रोजगार मिले प्रदेश में, प्रदेश में जो बेरोजगारी है ये कैसे कम हो, प्रदेश में महंगाई चरम पे हो रही है, डेली पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, जो आशंका चुनाव के पहले हम लोग जता रहे थे वही हो रहा है। अब ये बात ना बोली जाए कि महंगाई बढ़ रही है तो ये काम तो ओम प्रकाश राजभर नहीं कर सकता। अच्छे बयान। अगली खबर देवरिया से है, जहां पर निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। कर्मियों की मांग है कि निजीकरण की प्रक्रिया समाप्त की जाए। तेलंगाना की तरह ऊर्जा निगमों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने की मांग रखी गई है। साथ ही कहा गया कि शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण प्राधिविक कर्मचारी संघ के सदस्यों के वेतन कटौती जैसे दमनात्मक जो कदम है वो वापस लिए जाए। अभियान सरकार द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 लाया जा रहा है, उसके विरोध में ये है। निजीकरण के मुद्दे में जो ले आ रहा है इसको लेके है। इस तरह हमारी 6 सूत्री मांगों को लेके ये हमारा आंदोलन चल रहा है। 6 सूत्री मांगों में निजीकरण जो है उसका प्रमुख मुद्दा है कि निजीकरण बंद किया जाए। आगरा और नोएडा पावर सेक्टर जो निजी घरानों को दे दिया गया है उसका वापस किया जाए। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए और इस विभाग की बेहतरी के लिए तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता संसाधन ये है उसको उपलब्ध कराया जाए। ये लेके हमारा ये 2 दिन का कार्य बहिष्कार चल रहा है। मांगे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो सरकार पार्लियामेंट में इसको पास कराना चाहती है, हम लोग उसके विरोध में उसका हम लोग मतलब पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। दूसरी है कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन लागू किया जाए, वह विभाग हित में व जनता के हित में, विभाग हित जनता के हित में संसाधन उपलब्ध कराया जाए जिससे सुचारू रूप से। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर केंद्रीय श्रम संगठनों व स्वतंत्र क्षेत्रीय अखिल भारतीय फेडरेशनों और एसोसिएशन के संयुक्त मंच के आह्वान पर मंगलवार को भी ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन की हड़ताल जो है वो जारी रही। वहीं दूसरे दिन भी सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए यूपी बैंक एम्प्लॉय यूनियन ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम लोगों की ये जो हड़ताल हो रही है इसका मुख्य कारण है कि गवर्नमेंट की विरोधी श्रम विरोधी नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये अपने सार्वजनिक संस्थानों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं जो कि पब्लिक के अहित में है। इन लोगों ने एक कहावत पुरानी हुआ कहती थी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो इन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया है सर्वजन सताए पूंजीपति सुखाय। ये उस वाली नीति पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ जी, क्या मुख्य मांग रखी है? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो श्रमिक विरोधी जो कानून लाए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए और ये प्राइवेट। अगली खबर मथुरा से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नगर निगम के कई बार चेतावनी देने के बाद भी सरकारी जमीन न खाली करने पर सहायक नगर आयुक्त राजकुमार के निर्देशन पर जमीन को खाली करवाया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि भविष्य में गलती करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। शांति नगर है और ये बहुत मुश्किल से 15 से 20 फीट चौड़ी गली है और इस गली को पूरी को अगर आप देखें तो लोगों ने गाय भैंस बांध के और लगभग 20-20 फीट इसके आगे टिन शेड बढ़ा के उसके नीचे पोल लगा के इस पूरी गली को अवरुद्ध कर रखा है और इसकी बार बार कंप्लेंट प्राप्त हो रही थी। अभी हमने 2-3 दिन पहले आके समझाया भी था, उससे पहले लगभग 2 महीने पहले आके लोगों को समझाया कि अपने आप से अतिक्रमण हटा लें और रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कर दें, लेकिन ये लोग हटाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मजबूरीवश आज हमें अपनी नगर निगम की टीम के साथ यहाँ आना पड़ा और इस अतिक्रमण को हम साफ कर रहे हैं जिससे लोगों का आना जाना सुगम हो। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर थाना कुआरसी क्षेत्र के धौरा बाईपास के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम से भयंकर धुआं उठने लगा जिससे आसपास के घरों के लोग भी सहम गए। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि पास वाली बिल्डिंग भी आग की चपेट में आ गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
लेकिन फिर भी शुक्र है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर थे जी, उन्हें लोगों ने बचा लिया और जितना माँ बचा सकते थे उतना बचा जी। ये हमारे आबिद भाई हैं, उनके ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से जो है वो इस बाईपास रोड की दुकान है जी। इसमें काफ़ी तादाद में जो है वो फ्रिज और ए सी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इसमें बहुत आग लगी और मेरे ख्याल से 3-4 घंटे तक की आग लगी है सुबह 8:30। ये पता चला किस वजह से आग लगी है? वो शॉर्ट सर्किट का ही रीज़न सब लोग समझ रहे हैं, सही बिल्कुल पुख्ता अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं निकल रही है। सुबह जब खोलने के लिए आए थे सुबह आग दिखाई दी, हल्की शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है यहाँ पे जी, और ये सब तमाम सामान जल गया है। ये किस चीज़ का शोरूम था? ये टीवी वगैरह, फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ का शोरूम था ये जी। छोटा भाई है आबिद, उसका शोरूम है ये हमारे। अच्छा, किस चीज़ से आग लगी है पता? ये पता नहीं सर, हमने तो आगे देखा लेकिन हमें। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर युवक ने थाने के गेट पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर पुलिस ने युवक पर पानी डालकर किस प्रकार से उसे बचाया। बता दें कि गौकसी और गाय चोरी को लेकर युवकों ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों से मिट्टी का तेल की बोतल छीनकर उन्हें बचाया गया और प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई के आश्वासन भी दिए गए। वहीं रायबरेली के मलिकपुर सरैया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गरीब के आशियाने में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा 8 बोरी धान, सारे कपड़े, अनाज और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वहीं जब पीड़िता के आवास के संबंध में उससे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रधान से कई बार कहा गया लेकिन उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती हो जाए उसके बाद आपके आवास की व्यवस्था की जाएगी। वहीं गोरखपुर में दिवंगत सैनिक धनंजय यादव की मौत के बाद हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सैनिक को शहीद दर्जा दिलाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला इतना बड़ा कि पुलिस को मामला शांत कराना पड़ गया। इस संबंध में कई अज्ञात लोगों को नामजद कर कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोप है कि दंगा भड़काने में सपा की चाल है, तो वहीं पुलिस के आला अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की बात कह रहे हैं। देखिए, जो चोरी चोरा की घटना हुई है, जिस तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो एकदम गलत है, निराधार है। चोरी चोरा में जब शहीद की बॉडी आई है, किसी को नहीं पता था कि वो बॉडी एम्बुलेंस से आ रही है, लेकिन जब गोरखपुर वो बॉडी आई और एम्बुलेंस से आई और गांव गई तो एक क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया कि ये तो सेना के किसी भी सैनिक का अपमान है। चूँकि उस बॉडी के साथ सेना का कोई जवान नहीं आया था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया था, मृत्यु का कारण क्या था, परिवार भ्रमित था, इस नाते एक भ्रम की स्थिति फैलती चली गई। वहाँ के लोगों ने प्रशासन से यही मांग किया कि हमको स्थिति स्पष्ट कराई जाए सेना के द्वारा कि मृत्यु का कारण क्या है और क्यों एम्बुलेंस से भेजा गया और सलामी गारद देने के लिए क्यों नहीं कोई वहाँ से सेना का जवान आया। चौरी चौरा में जो कानून व्यवस्था जितने लोगों ने प्रभावित की गई थी और जो घटना को अंजाम दिया था उनका चयन हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई थी उससे किया और उसके बाद उनको नामजद किया है और एफआईआर दर्ज हुई है और उनकी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां पूर्ण हो गई हैं, कुछ लोगों की तलाश अभी जारी है, अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने पूर्व में भी ऐसी घटना की है, जो पुनः इस घटना में भी वो शामिल हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और उनके 14(1) में उनके संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। और इसमें क्योंकि इसमें मलबा किया गया था, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई थी, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया गया था, काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी और पथराव भी हुआ था और आगजनी भी की गई थी, तो इसलिए उनके खिलाफ रासुका भी लगाई जाएगी। पुलिस ने अभी तक 14 लोगों को अरेस्ट किया है और वीडियो और फुटेज के आधार पर अन्य लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। कई लोग इसमें फरार हैं जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है और प्रतिदिन हम दबिशें कई दे रहे हैं अलग अलग जनपदों में। जो भी लोग इसमें लिप्त रहे हैं उपद्रव करने में, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने में, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान करने में, उन लोगों के खिलाफ 6 मुकदमे चौरी चौरा थाने पर दर्ज हुए हैं और 1 मुकदमा RPF की तरफ से दर्ज किया गया है और इसमें लगातार पुलिस की कार्यवाही जारी है और इनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। इसमें पुलिस जांच कर रही है किस प्रकार ये लोग इकट्ठा हुए, कैसे इन्होंने ये उपद्रव करने की योजना बनाई, जो इसमें नेतृत्व कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है।
अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने एक दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपित दरोगा मारपीट के मामले से नाम वापस लेने के लिए संबंधित व्यक्ति से 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत संबंधित व्यक्ति ने एंटी करप्शन की टीम से की थी। वहीं आरोपित दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। जो है हाथापाई हुई थी हमारे पाटीदारों द्वारा, तो हमने शिकायत दर्ज कराई तो उन्होंने भी क्रॉस FIR फर्जी कराया हमारे नाम पे, जिसमें हमको भी नामजद किया गया और हमारे चाचा थे जो मौके पे नहीं थे मौजूद, उनके नाम पे भी मतलब FIR हो गई। तो हमने सर को रिक्वेस्ट की कि सर हम लोग नहीं थे, उसके एवज में इन्होंने कहा हम नाम निकाल देंगे, प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये लगेगा। हमने क्या नाम था उसका? भीम यादव जी। भीम यादव कहाँ की पोस्टेड थे? नहीं सर, वो चाचा जी थे हमारे, थे नाम था उनका भी। तो हमसे प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये की डिमांड हुई, हमने बहुत रिक्वेस्ट की तो इन्होंने कहा चलो 15,000 रुपये हम अपना हिस्सा छोड़ के 15,000 रुपये आप दे दो, हम नाम हटा देते। किसने मांगा था? बस अनिल कुमार सिंह जी, जो विवेचक थे हमारे, थाना जमानिया। मामला ये रहा कि शिकायतकर्ता कृष्णा कुमार सिंह, जिनके खिलाफ थाना जमानिया में मुकदमा लिखा गया था, उसका नाम निकालने के लिए उसके एवज में 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए थाना जमानिया के उपनिरीक्षक अनिल कुमार सिंह को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बगल से गिरफ्तार किया गया। वहीं औरैया में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाई। पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है कि थाना एरवा कटरा में 3 दिन पहले घर से युवक लापता हुआ था, जिसको ढूंढने के लिए परिजन लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन छानबीन के बाद घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर खेत में फांसी के फंदे पर लटका हुआ युवक का शव बरामद किया गया है। सूचना थाना एरवा कटरा को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची कस्बा इंचार्ज जितेंद्र कुमार प्रवेंद्र कुमार पुलिस बल ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारा लड़का है साहब। क्या नाम है इसका? इसरार अली। कब से गायब था, किस वजह से लगाई, कुछ है? वो काम करने गया था, वहाँ काम करा, उस काम करने के बाद मैं वहाँ से चल आया, आने के बाद पता नहीं क्या काम करता है, लेबरी करता था। क्या शादी हो गई इसकी? शादी हो गई है, शादी हो गया है, एक लड़का है साहब। एक लड़का है? हाँ। हमको कुछ कब से गायब था? 3 दिन हो गए। 3 दिन? क्या आपने थाने में एप्लीकेशन दी? और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।